जवान साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय महोदय राजेश सिसोदिया जी हमारे बीच में है, जिनका आप स्वागत करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय विधि विधान कानूनी प्रकोष्ठ जो हमारे कानूनी सलाहकार है ऐसे एम के बारिया सर, उनका भी हम साथियों। अब बारी है कि भारतीय किसान यूनियन भानु, इसके बारे में हम दो शब्द में मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के लिए काम करता है, किसानों की समस्याओं के ऊपर काम करता है। किसानों की इस भारत देश में जहां कहीं पर भी किसानों को जो समस्याएं आ रही है उन सारी समस्याओं के ऊपर भारतीय किसान यूनियन भानु काम कर रहा है। और आप सभी भाई किसान हमारे बीच में मौजूद हो, आशा करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़कर आप लोग भारतीय किसान यूनियन भानु में आपका सहयोग दे और भारतीय किसान आपके साथ है। साथियों, हमारे बीच में आज ये एक सुनहरा अवसर है, हमारे बीच में से ही सुरेश जय दामोर जो हमारे बीच में है, जिनको आज हम दाहोद जिले का कार्यभार और उनको अध्यक्ष हम यहाँ पर नियुक्त करने जा रहे हैं। हमारे बीच में माननीय राजेश सिसोदिया जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के, उनके हाथों हम सर्टिफिकेट वितरण करेंगे और उनको यहाँ पर आज से एक नई जिम्मेदारी को हम सौंपने जा रहे हैं। मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आगे आकर वो सुरेश दामोर को जो दाहोद जिला के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। और साथ में मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ मंच पे आए और महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो इनको सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत किया जाए। बेच लगाकर इनका स्वागत किया जा रहा है हमारे एनके बारिया जी के द्वारा, जो भारतीय किसान भानु का जो बेच है, कहीं पर भी आप जाते हो इसको लगा के आप जाइए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद। अब अगली जो बारी है कि इनको जो सम्मान पत्र दिया जाएगा, जो नियुक्ति पत्र भी हमें कहते हैं, हमारे महोदय के द्वारा दोनों अनुभवी जो किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और जिले में आप बहुत ही उत्तम काम करें, उत्तम काम करें। और परिचय पत्र इनको प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच में हुई है, उसके लिए हम भारतीय किसान यूनियन भानु का हम
तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन भानु के जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनको दो शब्द कहने के लिए निमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में राजेश सिसोदिया जी हैं, जो आगे आएंगे और दो शब्द भारतीय किसान यूनियन भानु के बारे में बताएंगे। महोदय, आपका हम स्वागत करते हैं। आज रोज अपने बगदा आगर जो भेगा थया छे मित्रों, आना पाछळ एक विशेष उद्देश्य ने हेतु छे। ज्यारे धरती ना ऊपर गामडा ना अंदर अपने जोईए, आजे अपने खेडूत छे, छे कि नहीं छे? आजे अपने खेडूत छे, अपनी वस्तु शुभ भाव चाली रही छे, अने सोका ने दुकान में जाए शुभ भाव थई जाय छे, मतलब गुजरात प्रदेश ना महामंत्री अने दाहोद जिला ना प्रभारी श्री माननीय जेलुसी गणवास है, तमारो हृदय थकी आभार माने छे। याद हो तो तुमने आ मीटिंग में आयोजन करयो, मैं तुमने आभार माने छे। साथे साथे माननीय एडवोकेट एम के बारे साहेब, जो कि विधि विधायक अने पूरा अपना भारत राष्ट्र ना अंदर भारतीय किसान यूनियन ना अंदर एक सलाहकार करीने, साथे साथे गुजरात प्रदेश ना जो भी नियुक्ति थाय कि गुजरात प्रदेश ना अंदर गमे ते प्रश्न उभा थाय, माननीय एडवोकेट एम के बारे साहेब ना बीच में छे, तो साहेब नो आभार व्यक्त करू छु। अने विशेष करीने माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु ना संस्थापक, अने आज वो अपनी भारतीय किसान यूनियन भानु छे, अने अलग अलग भागो होय आ यूनियन 22 राज्यों में भारत ना 22 प्रदेशों ने अंदर कार्यरत छे। अपना माटे आ एक सारो सारा समाजन सारो अवसर छे कि अपने अपना खेडूत माटे काम करी सके। अने खरेखर आ जो कणस्य गाम ना अंदर हमें जो कणस्य गाम ना अंदर अपने जो भेगा थया छे, वो बता मित्रों बता मारा खेडूत भाइयों नो हृदय थका हूँ आभार मानु छू। अने हृदय थी हृदय नी उंडाण थी हमारा सुरेश जे दामोर साहेब नो आभार मानु छू, जो कि खरेखर एक अपना सम्मान ना सिंगर भी छे, अने एक एवो नौजवान कि हमने काफी विचार विमर्श करीने साहेब ना मार्फते आजे नियुक्ति थई, दाहोद जिला ना अध्यक्ष करीने हमें घोषित करे छे, मेन बोर्ड ना अध्यक्ष, जो कि दाहोद जिला नो जो कि केटला भी गामडाओ दाहोद जिला जेटली भी तहसील विधानसभा गमे ते होय तमारे तई पुगी जावानो खेडूतो माटे। साथे साथे आ समय हूँ नवळ भाई एम ढोरिया साहेब नो भी हूँ आभार मानु छू, अने आ साहेब ने भी अपने नियुक्ति करे छे अपने दाहोद तहसील दाहोद तालुका अध्यक्ष करीने, तो आओ बन्ने भाई ने मैं अपना जीतो ने आभार मानु छे। अने पता नहीं क्या मांगू छू, एटले क्या मांगू छू कि गमे त्या अपना खेडूतो ना गमे ते प्रश्न होय आपणे उभो रहेवो पड़े। एक दाखलो करीने हूँ मारा शब्दने विराम आपवा मांगू छू। 3 દિવસ આગળ જે હું મારા દીકરાને સ્કૂલ મૂકવા ગયો, સ્કૂલ સે આવતો હતો ત્યારે એક મોલ ને અંદર મે ભરાયા, મોલ ને અંદર એક આલુ ની ચિપ્સ ની બોટલી લીધી હમણે, આ બોટલી ની અંદર આલુ ચિપ્સ હતા, આના અંદર ફક્ત ને ફક્ત 107 ગ્રામ આલુ હતા, ચિપ્સ કેટલા હતા 107 ગ્રામ, એટલે 100 ગ્રામ ભી પૂરા ન હતા। જ્યારે મને આની કિંમત જોઈ તમે વિશ્વાસ નહીં કરો, આની કિંમત 109 રૂપિયા, 107 ગ્રામ આલુ ની કિંમત કેટલી 109 રૂપિયા। અને આ આલુ જ્યારે તમે ને હું વેચીએ છે કંપની મે, જ્યારે અમે વેચીએ છે તમને ખબર છે શું ભાવ હોય કે વધારે સદર 5 રૂપિયા કિલો બિના લેતા હોય એમ હું વિચાર કરું, પણ આપણો આલુ જો 5 રૂપિયા કે 10 રૂપિયા કિલો લેવા માંગતા નથી, પણ ફેક્ટરી ના અંદર જે ચિપ્સ બનીને આવે આલુ તો એનો ભાવ તો દેખો, અને આના અંદર બધો કેમિકલ થાય, અને કેમિકલ યુક્ત નહીં હોય તો આપણે તમે વિચાર કરો। તો ભારતીય કિસાન યુનિયન ભાનુ ભારતના દરેક ક્ષેત્રોના અંદર કાર્યરત છે અને ખેડૂતો માટે લડવા માટે તૈયાર છે, તો આ સમય હું ભારતીય કિસાન યુનિયન
गुजरात प्रदेश अध्यक्ष તમારે એવું જ કહેવા માંગુ છું કે આવો આપણે એક સાથે મળીને એક સાથે ભેગા થઈને આપણા ખેડૂતો માટે આપણી ખેડૂતની આપણે આવાજ બનો છે જય જવાન જય જવાન જય કિસાન ઠાકોર ભાનુ પ્રતાપ જિંદાબાદ ઠાકોર ભાનુ પ્રતાપ જિંદાબાદ થેન્ક યુ વેરી મચ આ સમય અમે દામોર સાહેબને સાંભળે માંગે છે કે આજનો અનુભવ પ્લીઝ દામોર સાહેબ आज ते मने जे नवे जवाबदारी अपावा आवी छे जवाबदारी तो हर वक्त ते निभावतो आवुं छुं निभावुं छुं ने निभावनो छुं पासो पड्यो नथी पड़वानो पण नथी मिलनो हक छे आदिवासीनो हक छे ते तो जरूर करीशुं साथे आपणा आदिवासी किसानोनो जे हक छीनवाई रह्यो छे जा साहेबे वात करी 107 रूपया 107 रूपया जा 5-10 रूपया लागे ता 100-150 बचो इमारी मशीनों आ गया सापीरा एने बदाने पासा पाड़ो जे किसान नो जे से एक किसान ने मळवा दो एवी आशा ने अपेक्षा होती मैं जरूर एक काम करीसु कोई पण मार आ वीडियो जोनार कोई पण अपना आदिवासी किसान लोगो तमारा माटे कोई दबाव थातो होय भारत आतो तमारा पर आवतो होय तो जरूर आपनी पासे आ वीडियो नी पासे मारो नंबर रहेशे तो ए नंबर पर कॉल करजो जरूर अमे दावत जिला ने आजूबाजू में जाके थाता या भारत देश ने अंदर अपना भारतीय किसान यूनियन भानु 22 राज्य ने अंदर जाके काम करी रहो छे तो तमे जरूर हमारो संपर्क करजो के मैं तुम्हारी मदद करीसु और जोड़ा आमीन साथियों जिस प्रकार यहां पर हमारे साथियों ने जो किसानों के ऊपर जो प्रकाश डाला और किसानों के लिए जो बातें कही वो वास्तविक है इस दुनिया में कितना भी विकास कर ले लेकिन जो अनाज है वो फैक्ट्रियों में पैदा नहीं होगा वो किसानों के खेत में ही पैदा होगा तो आज किसान खेत में और जवान बॉर्डर पे दोनों यदि इस देश के अंदर ना हो तो हमारा देश सुरक्षित नहीं है और किसान भाई मेहनत करते हैं तो याद रखिए जब भी आपकी थाली में एक निवाला लेते हैं तो किसान का धन्यवाद जरूर कीजिए इसकी वजह से आप रोटी खा रहे हैं और किसी ने धान लगाया है किसी ने काटा है धूप में उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है उनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है लेकिन वो आज हमारे घर में और हमारी थाली में वो अनाज उत्पादन करके किसान भेज रहा है तो उन किसानों का ऋण हमेशा याद रखिए जब भी खाते हो किसान को जरूर याद कीजिए धन्यवाद और आप सबको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हम किसी भी ऑफिस में भारतीय किसान यूनियन काम करेगा ओके आप आयु शादी के लिए नहीं आयु शादी के लिए नहीं कहीं जाना।